नमस्कार, मेरा नाम है अश्वनी और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज रागनी भारती। घर कहाँ है आपका? दर्रा पहाड़ी है? पत्थरखूरा है। पत्थर क्या है? पत्थरखूरा। पत्थरखूरा इनका घर है। अच्छा, आप यहाँ पे जीके का टेस्ट देने आए थे, राइट? हाँ। 10 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? 10 में से यदि आपने 10ों का सही आंसर किया तो आज आप सबको मैं बता दूँ बहुत ही बेहतरीन प्राइज और लेकर आए हैं, ये स्मार्टफोन जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल स्मार्टफोन बिल्कुल नया फ़ोन है और कवर के साथ है, लेकिन 10 में से 10 आंसर आपको करना पड़ेगा। एक भी आंसर अगर आपका गलत हुआ तो ये फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, रेडी हैं? रेडी हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मैं भी सेलेक्ट करके लाया हूँ आपको, और ऐसा क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं गलत हो ही जाएगा, ठीक है? अब वो आपके टैलेंट के ऊपर है, देखते हैं। हाँ। तो मेरा आपसे सबसे पहला जो सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? ऑप्शन दूँ? हाँ, ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर सी, छमाही गति के कारण। और ऑप्शन नंबर डी, तिमाही गति के कारण। ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। हाँ। श्योर हो? हाँ, दैनिक गति के कारण। मतलब बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, राइट? हाँ। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन दो। हाँ, ऑप्शन दीजिए। बृहस्पति ग्रह। क्या? बृहस्पति। बृहस्पति, क्या बात है। मतलब कैसे कैसे पता कि बृहस्पति ही है? हो सकता है दूसरा बड़ा हो। नहीं, बृहस्पति ही है। याद है? हाँ। बहुत बढ़िया यार, चलिए बहुत अच्छा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये बता दीजिए आप। बुध ग्रह। बुध है? हाँ। और चलिए बहुत बढ़िया, 3 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया। यार थोड़ा टफ ले चलते हैं, वरना फ़ोन ये इनके प्राइस का बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप जीते, है ना? और आप जितने लोग भी देख रहे हैं, आप भी चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, आप भी आंसर कर सकते हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर कर सकते हैं, और जो प्राइस होगा आप जीत भी सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन दूँ? ओके, ऑप्शन देता हूँ, तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, और ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। लोहा और जस्ता। बच गया फोन, बच गया। फोन बच गया क्योंकि 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 ये आंसर बिल्कुल इनका गलत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लोहा और निकेल का। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम थोड़ा हो सकता है कि इससे भी बड़ा प्राइज़ हो सकता है कि लैपटॉप जीत कर जाएं आप, है ना? फ़ोन ही क्यों। ओके, खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन सा देश है, यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन दूँ क्या? हाँ, ऑप्शन। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, पहला है फ्रांस, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ। बिल्कुल गलत जवाब, इनका आंसर होगा रूसी संघ। आपके साथ आए हुए फ्रेंड बिल्कुल सही आंसर बता रही हैं, आपका गलत हो गया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, पीछे जो भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं या फिर मैम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया शोर न मचाएं, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, आपका भी नंबर आएगा। आपके साथ दो तीन फ्रेंड आई हैं, तो मैं वो भी चाहती हैं कि आंसर करें, राइट? हाँ। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हमने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है और 2 क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। हाँ। ठीक है। अगर अब जो भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल करते हैं, अगर सारे क्वेश्चन आप आंसर सही करते हो तो आपको एक
प्राइज मिलेगा, वो फ़ोन तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ओके अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नांकित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी चीन। भारत। बिल्कुल गलत जवाब, यहाँ पे आंसर होगा अमेरिका। ठीक है कोई बात नहीं, आपको पता ही हो हर कोई परम ज्ञानी तो नहीं होता। नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उतने दूर से आप यहाँ पर आए और इतने लोगों के बीच में आप आंसर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बच्चे हैं जो चाहते हैं यूट्यूब पर आना और कैमरे के सामने अपना क्वेश्चन आंसर करना, तो बिल्कुल बेशक वो आ सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गोदावरी। ऑप्शन ए नर्मदा। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए नर्मदा नदी है ना। और बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है और इतना अच्छा आंसर किया है, तो एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। यमुना नदी। बिल्कुल लास्ट गलत जवाब है, ये दामोदर नदी होगा राइट। तो कोई बात नहीं, और बहुत बहुत अच्छा आपने किया और 10 सवाल में से 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल मेरे ख्याल से 7 आंसर बिल्कुल सही किए, 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए है ना। पर कोई बात नहीं, 10 में से अगर 5 भी आप सही करते तो भी बहुत था, 10 में से 7 आपने बिल्कुल सही किए हैं, इसलिए आपको एक चॉकलेट मिलता है। ठीक है चॉकलेट है, ये रहा आपका चॉकलेट। थैंक यू सो मच। ठीक है और जितने लोग आप देख रहे हैं ना प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इनका वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, बस आपको आकर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये क्विज गेम खेलने की ज़रूरत है। ओके तो